साथियों नमस्कार, आप सभी का स्वागत है आप ही के चैनल उषा की किरण में। दोस्तों, हमने काफ़ी सारे ट्रक्स बसेस के वीडियो हमारे चैनल के ऊपर दिए हुए हैं और आज हम मेनली बात करेंगे कि जब हम अपनी ट्रक गाड़ी का निर्माण करवाते हैं, यानी कि चेसिस खरीदने के बाद में उसकी बॉडी का निर्माण करवाना होता है, तो हम कहाँ पर जाकर के अपनी बॉडी का निर्माण करवाएँ। तो दोस्तों, इंदौर शहर के अंदर एक काफ़ी फेमस हमारे बॉडी मेकर हैं, ट्रक बॉडी मेकर, जो कि ITBB ट्रक बॉडी मैन्युफैक्चरिंग के एक तरह से कह सकते हैं हम कि इनको पारंगतता पूरी हासिल है। तो आज मैं इन्हीं के पास में आया हुआ हूं। हमारे पास में है हरजिंदर भाई, ITBB इंदौर के ओनर, और इनसे हम जानेंगे कि यहां पर ये किस किस तरह की बॉडी का निर्माण करते हैं, कितने बजट के अंदर करते हैं, साथ ही यहाँ पर जब आप बॉडी का निर्माण करवाने आएँ तो आपको क्या क्या सुविधाएँ ये जो है प्रदान करते हैं। तो हरजिंदर भाई, आपका स्वागत है हमारे चैनल पर। तो हरजिंदर भाई, बहुत दिनों के बाद में आज मेरा आना हुआ है आपके यहाँ पर, और हम जानना चाहते हैं कि आप हमारे व्यूवर्स के लिए ये बताइएगा कि यहाँ पर हम किस किस तरह की बॉडी बनाते हैं और क्या हमारे व्यूवर्स के लिए या ट्रक बॉडी बनाने वाले के लिए मतलब आप जो है सुविधाएं उपलब्ध करवाते हैं। सभी को नमस्ते, मैं हूँ आपका अपना हरजिंदर सिंह, और हमारे यहाँ पर मेन जो रिक्वायरमेंट हमारा पैन इंडिया काम है, दूर दूर से कस्टमर आते हैं। अभी भी हम आपको हमारे वर्कशॉप का टूर करवाता हूँ और यहाँ पर आपकी रहने की व्यवस्था से लेके गाड़ी, हो सकता है कि हम लोग भर के, हम लोग वो भी सर्विस देते हैं कि गाड़ी लोड भी करवा के देते हैं बनाने के बाद में, बॉडी बनाने के बाद में हम बहुत सारी सर्विसेज प्रोवाइड करते हैं और बिल्कुल लो कॉस्ट के अंदर और अच्छे से अच्छी क्वालिटी के अंदर। जैसा आपका रिक्वायरमेंट रहता है हम लोग वैसी बॉडी बना के देते हैं। आपको कंटेनर चाहिए, हम कंटेनर बनाते हैं, प्लेटफॉर्म, ओपन बॉडी और क्लोज बॉडी और डोर टू डोर, मतलब सब बहुत सारे डोर वाली बॉडी, बहुत सारी चीज़ें जो है हम लोग बना के देते हैं। और आज हमारे साथ में आए हैं उषा की किरण से, और आपको एक एक चीज़ मैं आपको पूरे वर्कशॉप में घूम के इनके साथ में मैं आपको बताता हूँ कि हम लोग कैसी तरीके से गाड़ी डेवलप करते हैं। और मेन फोकस हमारा कस्टमर सेटिस्फेक्शन है, हम लोग कस्टमर के लिए ही सारा काम करते हैं कि उनकी बॉडी जो है बने अच्छे से अच्छी जगह पर बने। तो दोस्तों, ज़्यादा वक्त गंवाते नहीं है और चलते हैं हरजिंदर भाई के साथ में हम वर्कशॉप का विजिट करने के लिए और जानते हैं कि किस किस तरह की बॉडी का ये जो है निर्माण कर रहे हैं। और आप देख सकते हैं काफ़ी शानदार इन्होंने जो है केबिन बनाया हुआ है, जब आप आएंगे तो आपको बहुत अच्छा लगेगा। तो अगर आप इंदौर के आसपास से हमें देख रहे हैं या पैन इंडिया कहीं से भी आप देख रहे हैं और ट्रक की बॉडी का निर्माण करवाना चाहते हैं, तो एक बार आप जरूर यहाँ पर विजिट करें। जिनका सारा का सारा कॉन्टैक्ट डिटेल जो है मैं आपको डिस्क्रिप्शन के अंदर दे दूंगा। तो हरजिंदर भाई, चलते हैं हम। तो हरजिंदर भाई, मैं देख रहा हूँ कि काफ़ी आपने यहाँ पे जो है डेवलपमेंट कर लिया है। जैसे कि दोस्तों, मैं आपको ऊपर दिखाना चाहता हूँ, रूम्स वगैरह भी बनाए हुए हैं। हमारे विजिटर जब ट्रक बॉडी का निर्माण करवाने आते हैं और उनको कभी ठहरना होता है तो उस सब की भी व्यवस्था यहाँ पर कर ली है, क्यों साहब? जी, सही है, पैन इंडिया काम है। अभी भी जैसे वेस्ट बंगाल से हमारे पास कस्टमर आए हुए हैं, वो ऊपर अपने रूम में ठहरे हैं और उनको अभी हम लोगों ने खाने की सुविधा भी हम लोग प्रोवाइड करने जा रहे हैं। खाने की सुविधा भी है, सब देंगे हम लोग और सारी फैसिलिटी देंगे। और आइए मैं आपको मेरे वर्कशॉप के बारे में और गाड़ियों के बारे में भी डिटेलिंग से आपको बताता हूँ। तो दोस्तों, आप देख सकते हैं यहाँ पर काफ़ी सारे चेसिस जो है ट्रक रखे हुए हैं, कुछ गाड़ियों का निर्माण चल रहा है और कुछ चेसिस हमारे पास में यहाँ पर खड़े हुए हैं। टाटा, महिंद्रा, अशोक लीलैंड, तमाम सारे चेसिस हमारे पास बनते रहते हैं। हमारे पास में ये डोर वाला कंटेनर बन रहा है, बनने के बाद ये पूना से गाड़ियाँ आई हैं, हमारे पास 15 गाड़ी का ये ऑर्डर था और बहुत सारी गाड़ियाँ डिलीवर हो चुकी है। ये गाड़ियों में काम एक्स्ट्रा है, ये हमारी तरफ से अभी दी जा रही है। और यहाँ आप देख सकते हो एक एक गेट, यहाँ पर पूरी साइड में डोर गेट लगे हुए, नीचे की साइड में बॉर्डर बनी हुई है, स्पेशल बॉर्डर। और यहाँ पर आप देख सकते हो आगे का केबिन आप यहां पर देख सकते हो, पूरा इंदौर से ACP के अंदर हमने बनाया हुआ है, मजबूत से मजबूत केबिन आपको यहां पर मिलेगा। ये जो गाड़ी है, ये गाड़ी अपनी महाराष्ट्र से आई है हमारे पास चल के, और वो गाड़ी झारखंड से, और अंदर और भी बॉडियों का काम चल रहा है। यहां आप देख सकते हो 4 mm का फर्श यहां पर पड़ा है, कोई रहे या ना रहे, हमने रुकने की सुविधा के साथ साथ क्वालिटी के ऊपर पूरा का पूरा जोर दिया हुआ है। और ये 4 mm फर्श यहाँ आप देख सकते हो, ये जो गाड़ी है सूरत से हमारे पास बनने आई थी, कंटेनर है, कंटेनर का आप देख सकते हो चौड़ा कंटेनर हमने दिया है, खूबसूरत तरीके से आगे का स्टील वर्क और पाइप के अंदर यहाँ पर हमने CD खंडे वगैरह दिए हुए। और यहाँ आगे की साइड में आप देख सकते हो फुटरेस्ट दिया हुआ है, गाड़ी के ऊपर ड्राइवर आराम से चढ़ के कांच वर साफ कर सके। और नीचे की बात करूँ, यहाँ से भी हमने चढ़ने के लिए यहाँ पर ऊपर पैर स्टेप दिया हुआ है ताकि ड्राइवर जो है ऊपर आराम से चढ़ पाए और सारा काम वो कर पाए। आप यहाँ देख सकते हैं हमने 4 फीट का इसके अंदर प्लेट दिया, 12 गेज का ये साइड दिया हुआ है, सेल का एंगल, और अगर रायपुर का एंगल लोगों को लो कॉस्ट लो बजट में भी गाड़ी बनानी है तो हम रायपुर के एंगल में भी बनाते हैं। और जिनको हाई बजट में गाड़ी चाहिए तो आपको मैं और भी गाड़ियाँ दिखाता हूँ। इसके अंदर पूरा का पूरा सेल का काम हुआ हुआ है, नीचे चैनल भी सेल के डले हुए हैं अंदर, जिनको बजट के हिसाब से हम लोग गाड़ी बनाते हैं और कस्टमर की रिक्वायरमेंट को हम पूरा करते हैं।
यहाँ आप देख सकते हैं चार के चैनल के अंदर, सेल के चैनल के अंदर ये पूरा का पूरा काम हुआ हुआ है। वेल फिनिश्ड काम हम लोग यहाँ करके देते हैं। कारीगर हमारे बहुत पुराने हैं, कुछ तो एक्चुअली जनरेशन काम कर रही है हमारे यहाँ पर। मैं थर्ड जनरेशन हूँ इस काम के अंदर, और मेरे दादाजी ने ये काम स्टार्ट करा था, पापा ने, और अब मैं थर्ड जनरेशन इस पीढ़ी इसके अंदर काम में आया। और आगे की साइड में आप ये देख सकते हो ये महाराष्ट्र की गाड़ी है, और पूरा का पूरा लग्जरी काम हम लोग यहाँ करके दे रहे हैं। नीचे की साइड में एल्युमिनियम शीट लगी हुई है, ऊपर लगेज वगैरह देख सकते हैं, बॉडी देख सकते हैं गाड़ी का। और आगे की साइड में यहाँ पर हमने कस्टमर के रिक्वायरमेंट के हिसाब से आगे शो भी दिया हुआ है, गाड़ी के अंदर पाइप दिए हुए एक्स्ट्रा कि गाड़ी खूबसूरत भी बनती रहे। और यहाँ एक एक्स्ट्रा स्टेप दिया है गाड़ी के ऊपर चढ़ने के लिए यहाँ पर, कि कस्टमर ड्राइवर जो है आराम से चढ़ के कांच वाच साफ़ कर पाए। हाँ जी दोस्तों, तो पहले मैं आपको यहाँ का लकड़ी भी बता देता हूँ। यहाँ आप देख सकते हो मलेशिया साल की यहाँ पर लकड़ी लगाई जा रही है, और हैवी से हैवी क्वालिटी की। आप यहाँ उठा के भी देख सकते हो, पूरी हैवी वर्क हम लोग यहाँ पर करके दे रहे हैं। यहाँ पीछे की साइड में आप देख सकते हो काम अभी चल रहा है। फ्रेम वर्क देख सकते हो आप केबिन का, कि पूरा मजबूती का हमने एक फ्रेम दिया है यहाँ पर। आगे पाइप का जाल दिया हुआ है। पीछे की साइड में आप देख सकते हो हैवी काम, और बॉडी की सपोर्टिंग भी हम लोग एक्स्ट्रा करके दे रहे हैं। और यहाँ मैं बात करूँ आगे, ये जो है 4925 खड़ी है यहाँ पर, ये जो है 4925 खड़ी है डबल एक्सल के अंदर। और इसके अंदर जो है बहुत ही मजबूती से बॉडी बनाई जा रही है, लेंथ भी बढ़ाई गई है यहाँ पर। हमने चेचिस वेल्डिंग करके लेंथ भी बढ़ाया हुआ है कस्टमर रिक्वायरमेंट के हिसाब से। आप यहाँ देख सकते हो यहाँ जॉइंट हुआ हुआ है, बिल्कुल फिनिशिंग से हम लोग काम करके दे रहे हैं। और पीछे की साइड में बम्पर वम्पर पूरा प्रॉपर दिया हुआ है। तो हरजिंदर भाई, एक चीज़ मैं जानना चाहता हूँ आपसे, कि ये जो गाड़ी की बॉडी आप बना रहे हैं, इसके अंदर आपने दिखाया कि मटेरियल तो आप उच्च गुणवत्ता वाला यहाँ पर इस्तेमाल कर रहे हैं, अच्छी खासी लकड़ी यूज़ कर रहे हैं, अच्छा मटेरियल यूज़ कर रहे हैं, आपके पास में कुशल कारीगर हैं। और एक मोटा मोटा एक आइडिया लें कि गाड़ी की बॉडी बनाने में कितना खर्चा आ जाता है हमारा लगभग? गाड़ी कस्टमर के ऊपर है, उनको कैसी गाड़ी बनानी है, बजट के ऊपर हम लोग काम करते हैं। जैसे यहाँ पर गाड़ी मोटा मोटा अपन लें तो 4.5 लाख से चालू होके 6 लाख तक गाड़ी बनती है। अच्छा। और 6 लाख से ऊपर भी अगर कस्टमर को और हैवी से हैवी वर्क कराना है तो ऊपर भी जाता है, वो थोड़ा लग्जरी उसमें चला जाता है। तो उसमें जैसा गुड़ डालेंगे वैसा मीठा होगा। आप देख सकते हैं दोस्तों, इनके पास में कुशल कारीगर हैं, काफ़ी मेहनत के साथ में ये काम करते हैं। और अगर आप हमारा वीडियो देख करके इंदौर में पधारें तो आप हरजिंदर भाई से मिल सकते हैं, यहाँ पर आप अपनी ट्रक बॉडी का निर्माण करवा सकते हैं। दिन रात लगे हुए रहते हैं, इनकी पूरी की पूरी मैन पावर और काफ़ी कुशलता और काफ़ी क्वालिटी के साथ में जो है यहाँ पर काम किया जाता है। आप देख सकते हैं हमारे पास में 4925 टाटा काउल चेसिस है, यहाँ पर भी 4925 है। हरजिंदर भाई, अपन एक महीने के अंदर कितनी गाड़ियों का निर्माण कर लेते हैं लगभग? एक महीने के अंदर सर हमारी 30-35 गाड़ी, जो 30 से 35 गाड़ी आप बना देते हैं? 35 गाड़ी का हमारा टारगेट रहता है, हम लोग उसको बिल्कुल क्रॉस करने का कोशिश करते हैं। अच्छा। और वहां तक अचीव भी करते हैं। अभी हम लोगों ने 40 ट्रक्स निकाले हैं पिछले महीने, और पूरी की पूरी अच्छी मजबूती के साथ में, कस्टमर सेटिस्फेक्शन के साथ में। अच्छा, एक चीज़ और जानना चाहता हूँ कि अगर आपके पास में कोई ट्रक बॉडी बनवाने आता है बंदा, तो आप कितना समय के उसको कमिट करते हैं कि भैया इतने दिन के अंदर हम तुम्हारी बॉडी बना देंगे? जी, मिनिमम माने तो हम लोग 15 डेज से लेके 32 डेज तक हम लोग हमारे जो डे लगते हैं गाड़ी बनाने में, और 15 डेज से लेके 22 की एक्चुअली वेटिंग रहती है हमारे यहाँ पर। अच्छा। और जब काम एक्सेसिव रहता है, ज़्यादा से ज़्यादा गाड़ियाँ रहती है, तो हम 42 डेज तक वेटिंग टाइम लेते हैं। अच्छा, तो 15 से 20 दिन के अंदर मतलब हमारी गाड़ी जो है वो रेडी हो जाती है। चलिए और हम आपको बताते हैं दोस्तों यहाँ पर किस तरह का काम होता है। यहाँ पर आप देख सकते हैं काफ़ी खूबसूरत कलर कॉम्बिनेशन के साथ में गाड़ियों का पेंटिंग भी किया जाता है। ये जो गाड़ी का पेंटिंग है, आई थिंक ये जो है कस्टमर की डिमांड है, क्यों साहब? जी कस्टमर, ये कस्टमर की डिमांड के ऊपर जो है यहाँ पर काफ़ी खूबसूरत पेंटिंग की गई है, और जैसा आप चाहे वैसा पेंट हो जाएगा। और हमारा पेंटिंग बूथ भी हमारा अपना ही है ना सर यहाँ पर? जी जी जी, बिल्कुल हमारा अपना है। हमारा सारा काम, जैसे विनाइल का काम हो जाता है, लिखाई का काम होता है, कलर का काम होता है, सारा का सारा काम हम कंप्लीट करके देते हैं। दोस्तों, अगर आप चाहते हैं कि किसी ट्रक बॉडी का कंप्लीट वीडियो मैं आपको यहाँ से दूँ, यानी कि बनी हुई गाड़ी का पूरा कंप्लीट वीडियो, तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में लिख करके अवश्य बताइएगा। एक पूरी कंप्लीट गाड़ी का हम वीडियो दोनों भाई मिलकर के आपके लिए जरूर लेकर के आएंगे। ये वीडियो आपको अच्छा लगा है तो इसको लाइक करें, अपने दोस्तों में शेयर करें। इंदौर या भारत के किसी भी कोने से हमें देख रहे हैं तो आप ट्रक बॉडी बनवाने के लिए हमारे हरजिंदर भाई के पास में अवश्य पधारें। तो भाई साहब बहुत बहुत धन्यवाद। इनकी सारी की सारी डिटेल जो है वो आपको ऑन स्क्रीन देखने के लिए मिल जाएगी। तो फिर मिलेंगे किसी ऐसे ही वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।